हाय एवरीवन, मैं हूं श्वेता, मेरा नाम महेंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। एहद वफा के एपिसोड 9 का पार्ट 2 आइए देखते हैं। जुम्न जब हद से गुजरकर मिट जाता है, शायद खुदा अपनी बेटी पहलवान के जुम्न को खत्म करने की निगाह रखती है। क्या नाम बताया आप? सर शारिक हमीद। हाँ, क्या करती हो? जी बीए कर रहा हूँ फिलहाल, लेकिन जर्नलिज्म करने का इरादा है। शारिक जी बताओ कि ये वीडियो और कितने लोगों के पास है? तो किसी के पास नहीं सर, बस सिर्फ इस मोबाइल में। मेरे चैनल पर ज्वाइन करता हूँ, देखो रिपोर्टिंग के साथ साथ पढ़ाई भी होती रहेगी। मैं तुम्हारे मुस्तकबिल को चमकते सूरज की मानी देख रहा हूँ। सच्ची पहलवान को तो अब उसका पाप भी नहीं बचा सकेगा और उस मजलूम स्टूडेंट का खून गाएगा नहीं जाएगा। चला सर, वीडियो के साथ रिपोर्ट ऑनलाइन कर दो सर। नहीं, इस रिपोर्ट को बिल्कुल ऑनलाइन नहीं करना। ये वीडियो हमारे पास एक सबूत है और सीधा अदालत में चलेगा, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्ट उस मजलूम स्टूडेंट को इंसाफ दिलाना है। अपने चैनल की रेटिंग को फिक्र नहीं करना और ऐसे मेरा आपके साथ रहेगा, आपका काम सीख जाएगा। इसका प्रेस कार्ड में बनवा दूँ मैं, आईजी साहब से बात कर रही हूँ। चलो एड्रेस ये थैंक यू सो मच। ठीक है सर, थैंक यू। अभी मेरी मीडिया पर्सन है। हाँ रवि जजी पहलवान से बात करेंगे। हाँ, देखा तुम्हारे थाने जाता है ना, उसका 10वां हिस्सा भी अगर मैं किसी सीन जानवर पर लगाता तो वो भी आज बम कल से वो दाना देकर बैठे हैं। और तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या करना है? मारो बगैर तुमको। बावशर बात करना चाहता जी आपसे। कोई शर्म कोई हया है तुम्हें? शर्म हो तुझे जिस जमीन पर तू अपना 2 नंबर चैनल खोलकर बैठा है ना, कॉलेज के 20-25 छोकरों ने मेरी इतनी बेइज्जती नहीं की जितना तुम्हारे चैनल कर रहा है। और यार तेरा गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल बजा है। जो कुछ हुआ है मेरी इजाजत शामिल। और दूसरी बात ये कि तुझे अल्लाह ने बचा दिया, मुझे वसीला बनाया तुम्हारा। जल्दी पहुंचो। क्या यार मीडिया मीडिया। वालेकुम सलाम। आ गया या क्या करते? कोई आशा नहीं की, पर सोचता था ना तो तेरी मनुष्य शक्ल मेरे सामने आ जाती थी। और हाँ, मेरे में से एक आवाज आई जो कहती थी कि जीसी साहब तुम ऐसी क्या सोच रहे? और फिर ये आवाज मेरे सोते हुए दिल्ली को जगा देती और उसमें दोबारा सो जाता। सारी छुट्टी ऐसे गुजरी सोते हुए। इतना ख्याल होता ना तुझे, लगा तो अकेले छुट्टी पर न जाता तो जो सिस्टम के सामने खड़ा होता, आवाज उठाता, एहतजाज करता, उस वक्त तो निकल गया और अब डायलॉग मार रहा। चलो सिस्टम के सामने नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन तेरे साथ खड़ा हो सकता। चल काम स्टाफ को पकड़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। मुझे अगला स्पीकिंग टेस्ट पास करा के ही रखूंगा। चल मुझे नहीं जाना है, मेरी किस्मत। जा शाबाश, चेंज कर। बकवास मैं नहीं, बकवास तू कर रहा है। मैं कुछ पागल तो हूँ नहीं जो एक बार टेस्ट पास करने के बाद दोबारा टेस्ट दूँ। तो पास हो गए? हाँ। चल अच्छा कैसे परसों मैं दोबारा टेस्ट लूंगा और अगर इस दफा भी तुम फेल हुए तो ये समझ लेना कि तुम इस अकेडमी में रहने के काबिल नहीं हो और तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मजा आ गया, अल्लाह की कसम है अपने आप का पता लग जाता है। तो उस दिन निकल गया छुट्टी पर, लेकिन एक बात का काम है। किस बात? तूने 10 दिन छुट्टी मारी और मैंने 6 दिन, फिर भी मेरा घर देख क्या लाया हूँ तेरे लिए, अम्मा ने अपने हाथों से बनाया। तो गन्ने का मसला ना होता तो गाँव से कुएं वाली कुल्फी मिलाता। कुएं आलिए मलाई बिल्कुल आलिए मलाई कुएं आलिए आने तक के दादाजार उसकी मरी मजेदार। थैंक यू। सही है। ऑलराइट जनरल, कल हम एक्सरसाइज किक ऑफ पे जाएंगे। इसके लिए मैं शाम को 7 बजे आपकी कमी लाइन में आऊँगा किट इंस्पेक्शन के लिए, क्योंकि ये आपकी पहली एक्सरसाइज है पीएमए टेन्योर की। तो हम सिर्फ 25 किलोमीटर चलेंगे। हर कैडेट अपने साथ अपना पर्सनल वेपन और पर्सनल किट लेके आएगा और पूरी प्लेटून अपने साथ 6 LMGs कैरी करेगी। फॉर दिस एक्सरसाइज वी विल गेट फॉलन इन द असेंबली एरिया एट 500 hours इन द मॉर्निंग एंड द रूट फॉर दिस एक्सरसाइज वुड बी Ahd-e-Wafa एंड सराउंडिंग एरिया। सादा कब आएगा पता नहीं यार, कॉल करके चेक कर लो। नहीं की तो खुद कॉल करके बता देगा छुट्टी पर आ गया। मुझे भी बता देना, मैं आ जाऊंगा। सरप्राइज देंगे मनुष्य को। हाँ, सारे को भी ट्रेस करता हूँ। हाँ यार, उसे भी पकड़। मुद्दत हो गई एक दूसरे के बूझे नहीं देते। कल करता हूँ। दीदी कब से लेना तो आज ही करा दें। अभी है ना जानी। हाँ अम्मा, मैं सिर्फ इतना कह लूँ कि उनको दावत पे बुला। नहीं पुत्र, अच्छा नहीं लगेगा। उसकी माँ ने एक बार भी रिश्ते की बात नहीं की। अब मैं उसको बुलाऊंगी ना तो उसको लगेगा कि अल्लाह ना करे तेरे में कोई ऐब है। और मैं उसके बेटे के पीछे पड़ गई हूँ। तुम कहाँ पीछे पड़ी अम्मा? ओके, मेरा मतलब है किसी को कुछ नहीं लगेगा। जरा कर लेने दो मुझे। अम्मा, इस्लामाबाद में धरना तो नहीं देने जा रहे ना, जो बाप और भाई से मशवरा किया। मशवरे की क्या बात है इसमें? तू समझ नहीं रही है, ये मामलात इतनी इज्जत और भरम भी रखना पड़ता है। उसकी माँ ने इतना सा भी इशारा नहीं दिया। मैं तुझे और अपने आप को क्यों जलील करूं? तुम समझ नहीं रही अम्मा। मैं तेरी प्यारी अम्मा, मैं ये कह रही हूँ कि एक दफा जो हम उनके घर खाना खा कर आए हैं ना, बस वैसा ही खाना, बल्कि उससे ज्यादा अच्छा खाना हम अपने घर में बनाते हैं और उनको दावत पे बुला कर हिसाब बराबर कर देते हैं। बल्कि कहते हैं कि ठीक कह रही है मेरी बेटी। दुश्मन के इंतकाम और दोस्त के आसान फौरन उतारना ही हैरतमंद की निशानी होती है। और बेटे चाय बना के दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। शक्ल से एकदम लल्लू लगते हो, यकीन के ऊपर होना उतना जमीन के अंदर भी है। बड़ी जल्दी बॉस को इम्प्रेस कर दिया है। हाँ, लोगों की वीडियोस बनाने के अलावा क्या काम है? बीए कर रहा हूँ और फिर जर्नलिज्म करूँगा। 2-3 साल लगा के जर्नलिज्म की डिग्री पढ़ने की जरूरत क्या है? सीरियसली लॉटरी लग गई तुम्हारे बॉस ने, डायरेक्ट जूनियर रिपोर्टर की पोजीशन दी है। और क्या चाहिए? जर्नलिज्म पैशन है मेरा, लॉटरी नहीं है मेरे लिए। और मुझे सारी जिंदगी जूनियर रिपोर्टर बनकर ही रहना। ये मौका तो पहला कदम है मेरे लिए, बहुत आगे जाना है मुझे। मंजिल अभी बहुत दूर है। देखो, इस सफर का सबसे पहला उसको फौरन अपने लैपटॉप में या अपने किसी टैबलेट में और दोस्त को व्हाट्सएप कर दो, कहीं पे इसका बैकअप बना लो। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर ये ज़ाया हो तो बैकअप होना बहुत जरूरी है। तो भेज दो। बाकी दूसरा सफर मैं तुम्हारी दोस्त नहीं, कॉलेज में पे एतमाद नहीं करती। काबिल एतमाद दोस्त तो एक ही है, लेकिन उसका मोबाइल भी जजी ने तोड़ दिया और लैपटॉप मेरे पास है नहीं, तो दोस्त समझ कर तुम्हें भेज देता हूँ। इसने डिलीट मार दिया होगा बंदे ने। मुझे एफआईआर काटने दी, इतनी कच्ची एफआईआर काटूंगा तो अगर आपको पहली पेशी में जमानत ना मिली तो अपनी पेटी उतार के रख दूंगा। क्या बात है, मैं भी ऐसी पक्की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखूंगा कि आप दूसरी पेशी पर ही बाइज्जत बरी हो जाएंगे पहलवान, और बाकी का काम मुझ पर जो मल्ला के बदल से बिल्कुल महफूज होता है। अगर हम लाश को लेकर मॉडल हाउस के सामने चले गए मसला बिगड़ जाएगा, ऊपर से प्रेशर आएगा, हालात खराब हो जाएंगे। तुम लोगों की जगह तब तक नहीं पहुंचेगी जब तक तुम लोग ओह माय गॉड, ये ना उस बंदी को उसके बॉस ने ना कर दिया सब कुछ। लेकिन अभी समझ गया उसको भी, क्या पता क्या करेंगे आगे वो लोग, क्योंकि बंदी का इंटेंशन तो वैसा नहीं है, बॉस का इंटेंशन, बॉस ने कर दिया ना सब कुछ। अभी क्या बंदी शायद वो तो ठीक है और सारे टेस्ट पास हो गए, कहाँ जाएगा, मैं तो जाके आया। ऊपर से अभी ये भी थोड़ा ठंडा हो गया और इसने भाभी का नाम चेंज कर दिया, पहले दुआ थी अब रानी हो गई, अब रानी हो गई। और रानी कैसे खुश कर रही ना, बुलाओ दावत पे, एक दोस्त का उपकार हो जाना चाहिए इस खुशी में। चलो आगे देखते हैं, तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब क्लिक ऑन द